आप देख रहे हैं पलपल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में आपको हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एस जयशंकर दिखाई दे रहे हैं, पर इसी तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे होंगे अमेरिका के विदेश मंत्री यानी कि एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर हालांकि अमेरिका दौरे की है, जहां हमारे डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के 5 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं और उस दौरे के दौरान भारत सरकार को एक बड़ा झटका अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से लगा है, जहां उन्होंने खुलकर के ये कहा है कि हम लगातार भारत में जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं उस पर कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं, यानी कि देश में जो कत्लेआम मचा हुआ है उसका जिक्र खुद आंखों में आंखें डाल करके अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से किया गया है। और पहले जब जो भी गतिविधियां खासतौर पर देश में होती थी तो विदेशों से प्रतिक्रिया आती थी तो कहा जाता था कि यह हमारे देश का आंतरिक मामला है, इसमें दूसरे देश को दखल अंदाजी नहीं देने दी जाएगी। और जब खुद अमेरिका में बैठ करके अमेरिका ने तमाम मुद्दों पर चर्चा की तो भारत सरकार को कड़े शब्दों में फटकार लगी है, जिसको नेशनल मीडिया ने पूरी तरीके से छुपा लिया है, क्योंकि ये तो हमारी नेशनल मीडिया ने दिखाने की कोशिश की कि अमेरिका और भारत मिल करके चीन की दबंगई को रोकेगा, पर क्या फटकार लगी है इसका जिक्र नेशनल मीडिया से गायब है, जहां मानवाधिकार हनन का जो उल्लंघन भारत में बार बार किया जा रहा है उसके ऊपर सवाल अमेरिका सरकार ने खड़े कर दिए हैं, जहां बोलने के लिए लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और जब लोग सड़कों पर उतरते हैं तो उनको लाठियां भाजी जाती हैं और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो देश में आए दिन गतिविधियां हो रही हैं उसका भी जिक्र अमेरिकी सरकार द्वारा खुद भारत के विदेश मंत्री के सामने बैठ करके किया गया है। क्या कुछ तमाम बातें निकल करके सामने आई हैं, पहले इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि भारत अमेरिका 2+2 वार्ता के बाद सोमवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड की निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में मानवाधिकार हनन के मामलों में वृद्धि हुई है। अमेरिका ने इस पहले भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में अमेरिकी विदेश मंत्री का ये बयान भारत के लिए एक फटकार के रूप में देखा जा रहा है, जहां राजनाथ सिंह और एस जयशंकर उस प्रेस वार्ता में मौजूद थे। प्रेस वार्ता के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं, जिसमें भारत सरकार को जलालत का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लिंकन ने भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर बात करते हुए कहा, हम मानवाधिकार के इन साझा मूल्यों पर अपने भारतीय भागीदारों के साथ नियमित रूप से बात करते हैं। हम भारत के कुछ हालिया घटनाक्रमों की निगरानी कर रहे हैं जिसमें मानवाधिकार हनन के मामले शामिल हैं। हमने सरकार, पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा मानवाधिकार के हनन में बढ़ोतरी देखी है, जहां खुल करके ये कहा गया विदेश मंत्रालय की तरफ से, जो कि एंटनी ब्लिंकन ने कहा, खासतौर पर भारत सरकार की तरफ से जो ज्यादतियां की जा रही हैं आम जनमानस के ऊपर, उसके ऊपर भी हमारी निगरानी बनी हुई है। पुलिस किस तरीके का कृत्य देश में कर रही है इसके ऊपर भी हमारी नज़र बनी हुई है, और किस तरीके से पत्रकारों का हनन हो रहा है इसके ऊपर भी हमारी निगरानी बनी हुई है। जहां ब्लिंकन ने हालांकि भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर विस्तार से बात करने से परहेज किया, उनके संबंधों के बाद भारतीय विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रालय ने उनकी इस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
जब हमारे देश के रक्षा मंत्री और हमारे देश के विदेश मंत्री वहां मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी इस टिप्पणी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है, कोई जवाब देना लाजमी नहीं समझा इस प्रतिक्रिया पर। और इंटरनेशनल लेवल पर जब प्रेस वार्ता साझा हो रही थी तब जाकर के एंटनी ब्लिंकिन ने ये तमाम बातें रखी हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ब्लिंकिन की ये टिप्पणी अमेरिकी प्रतिनिधि इल्हान उमर की उस आलोचना के कुछ दिनों बाद आई है जिसमें उमर ने कहा था कि भारत में मानवाधिकार हनन को लेकर जो बाइडेन सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना नहीं करना चाहती है। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने रखा था कि इल्हाना उमर ने अमेरिकी संसद में तमाम बातें रखी थी और मोदी सरकार द्वारा जेनोसाइड किया जाएगा इसके बारे में जिक्र चल रहा था अमेरिकी संसद में। जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाली इल्हान उमर ने पिछले हफ्ते कहा था इससे पहले कि हम भारत को शांति का भागीदार मानना बंद कर दें, मोदी को भारत की मुस्लिम आबादी के साथ और क्या करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी सरकार के आलोचकों का कहना है कि उनकी हिंदू राष्ट्रवादी सत्ताधारी पार्टी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद से धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया है। आलोचकों का कहना है कि मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही दक्षिणपंथी हिंदू समूह ने अल्पसंख्यक पर हमले शुरू कर दिए हैं। साल 2019 में जब मोदी सरकार ने नागरिकता कानून पारित किया था तब भी सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा। आलोचकों का कहना है कि इस कानून के जरिए भारत सरकार ने पड़ोसी देशों के मुस्लिम प्रवासियों को देश से निकालकर भारत के धर्मनिरपेक्षता संविधान को कमजोर करने की कोशिश की है। कानून मुस्लिमों को छोड़कर बौद्धों, ईसाइयों, हिंदुओं, जैनियों, पारसियों और सिखों को भारत की नागरिकता देने के लिए कहा था, जो 2015 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भागकर भारत आए थे। जहां ये तमाम बातें अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से रखी गई हैं, एक कड़ी फटकार भारत सरकार को एंटनी ब्लिंकिन ने राजनाथ सिंह और एस जयशंकर की मौजूदगी में लगाई है। पर इस बीच अमेरिका और भारत के बीच कई बड़े डील भी हुए हैं, कई समझौते भी हुए हैं जिसके बारे में जान लेना और समझ लेना जरूरी है, जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया ये बता रहा है कि अमेरिका और भारत मिलकर के चीन की दबंगई को नेस्तनाबूद करेगा। ये तमाम दलीलें नेशनल मीडिया द्वारा जारी हैं और किन किन चीज़ों पर समझौते हुए हैं एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर भी नज़र डालते हैं। आपको बता दें कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर 2+2 वार्ता के लिए 5 दिनों के अमेरिका दौरे पर हैं। दोनों मंत्रियों ने सोमवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन से अलग अलग मुलाकात की। इस दौरान रक्षा सहयोग के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे पहले राजनाथ सिंह ने वॉशिंगटन में लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने ईडू पैसिफिक रीजन में सहयोग बढ़ाने और डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करने पर चर्चा की। ऑस्टिन ने चीन की तरफ से हिंद प्रशांत महासागर में की जा रही दखलअंदाजी को लेकर भी भारत को पूरी मदद का भरोसा दिया है। राजनाथ सिंह ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की है। दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों देशों के इनपुट, एक्सपोर्ट, ग्लोबल सिक्योरिटी, जलवायु परिवर्तन और कोरोना जैसे कई मुद्दों पर मिलकर काम करने पर चर्चा बनी है। 2+2 की ये वार्ता क्वाड ग्रुप के तहत की गई है। ब्लिंकिन ने इस भारत अमेरिका 2+2 वार्ता को वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण क्षण बताया है। तो वहीं राजनाथ सिंह ने कोरोना के वक्त अमेरिकी सरकार ने हमें बहुत समर्थन दिया, हम उनका धन्यवाद देते हैं, ये बैठक भारत और अमेरिका के बीच बहुत महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी कंपनियों को डिफेंस एयर स्पोर्ट्स और मेक फॉर इंडिया वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए भारत आने का न्योता दिया है। इसी के तहत हमने साइबर डिफेंस के सहयोग के बारे में भी बातें कही हैं। लॉस्टिन ऑस्टिन ने कहा है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हम संयुक्त समुद्री बल मरीन में शामिल होने के भारतीय नेवी के फैसले का स्वागत करते हैं। इस बैठक में ये फैसला किया गया है कि दोनों देशों की सेनाएं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं।
भारत अमेरिका संबंध इंडो पैसिफिक सुरक्षा की आधारशील है। एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की बात हुई, साथ ही हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए और समुद्री सुरक्षा में सहयोग देने के लिए अमेरिका का धन्यवाद देते हैं। तो इन बातों पर समझौते तय हुए हैं। तो वहीं बातों बातों में एंटनी ब्लिंकिन ने भारत सरकार को आईना दिखाने का काम किया है मानवाधिकारों के हनन के मामले में, जिसमें भारत सरकार को एक कड़े शब्दों में अमेरिका की तरफ से फटकार लगाई गई है। और ऐसी तमाम खबरों से मैं आपको रूबरू भी कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।